सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो हम लोग सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनका जो यहाँ जो एक एक चैलेंज लिया है, एक चुनौती लिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से मच्छी पालन कर रहे हैं, बतख का पालन कर रहे हैं और मुर्गी का पालन कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि यहाँ जो लड़के हैं वो बहुत ही अनुभवी है, बहुत ही कोशिश कर रहे हैं यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए। ख़ासतौर हमारा यहाँ के जो लोकल जो है कि बेरोज़गारी का जो समस्या है, यही एक कारण है जिससे हम लोग बेरोज़गारी को हम लोग निपटा सकेंगे। मैं भी ये जो हमारा टीम आया है वहाँ से पासीघाट से, उनको महिला एक ग्रुप है SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको यहाँ लाया था कि एटलीस्ट वो लोग भी नामसाई में सीखे। नामसाई हमने इसलिए बोला है, ये चाहे वो जिग्नू साहब हो, मैडम मेहता हो, हमारे चौनामैन साहब हो, हमारे DCM साहब है, बहुत ही एडवांस हो गया है। हम सोचते थे कि पासीघाट में हम बहुत ही एजुकेटेड है, लिटरेट है, लेकिन हम अभी जो बेरोज़गारी का जो समस्या है इसको हम लोग नहीं निपटा पा रहे थे। तो यही एक कारण है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं सब ग्रेजुएट्स हैं, एजुकेटेड है, और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम अपने आप पे अपना बलबूते पे हम काम करेंगे। तो मैं पूछा है कि यहाँ आपको कैसा फंडिंग हो रहा है या किस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो फंडिंग भी यहाँ मैं देखा हूँ बहुत मीगर है। हम ज़रूर यहाँ के जो MLA है या हमारे डिप्टी CM साहब को मैं अभी मिलूँगा, उस समय मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इन लोग को भी इसका जो अनुभवी लड़के हैं उनको एटलीस्ट एक सहारा देना चाहिए, उनको बैकअप देने चाहिए। और हमारे तरफ से भी हम जो डायरेक्टरेट लेवल में हो या हमारा सेक्रेटरी लेवल में हो, सरकारी लेवल में हो, हम भी ज़रूर इसको पुश करने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं उनको सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ, और भविष्य में ऐसा जो जागरूकता आप पैदा कर रहे हैं लोगों में, जो आपने मार्गदर्शन दिया है, इसको आप कायम रखिए, हम आपके साथ देंगे। ऑफकोर्स पहले बहुत सारा चुनौती होते हैं, कठिनाई होती है, लेकिन अभी मैं उनको अनुरोध कर रहा हूँ कि ये एक बी एन एग्जाम्पलरी, चेंज द वर्ल्ड, चेंज द सिस्टम, वी हैव टू चेंज अ माइंडसेट, जो हमारा जो मानसिकता उसको बदलना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ ये लोग पूरा इसमें सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सर। आपका डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीम है जो कि यूथ्स लोग को, जो कि ये स्कीम का बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा। एक्चुअली ऐसा है, वी आर लकी इनफ दे हम लोग ऑनरेबल MLA पासीघाट एलोंग विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स कल से यहाँ में नामसाई में आए हैं। तो हम लोग फर्स्ट कल ले गया सैनिटरी नैपकिन को दिखाने के लिए, जो हमने MLA ले से लास्ट टाइम फाइनेंस किया था, उन्होंने देख के एंड लेडीज लोग को ट्रेनिंग भी दिया है, शॉर्ट बहुत खुश हुआ। एंड MLA सर एलोंग विथ हिज टीम वी आर वेरी लकी यहाँ नामसाई चूज़ किया है देखने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमने कल ले गया जो एरेका नट प्लेट बनाने वाला फैक्ट्री, वहाँ में भी ले गया, वहाँ भी ये लोग ग्रुप लेडीज लोग आया, देखा, बहुत खुश हुआ। तो हम लोग का भी दिल में खुश हुआ कि नामसाई में हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो सर ने भी बहुत अप्रिसिएट किया है और लेडीज लोग भी बहुत खुश था कल, खुद अपना हाथ से प्लेट्स बनाया, हाथ से सैनिटरी पैड बनाया। तो दिस इज़ ए एनकरेजमेंट। तो हम लोग चाहते हैं सब जगह में करें, सब जगह अनएम्प्लॉयड लगा लोग सबको तो जॉब नहीं दे सकते। ये जो है बताइए कि ये कौन सा स्कीम है आपका डिपार्टमेंट? लास्ट टाइम जो हम लोग जो सैनिटरी नैपकिन पैड है, ये एक्चुअली MLA लेड फंड से लास्ट टाइम हम लोग लिया था, 4 यूनिट लिया था, एक NGO और 3 सेल्फ हेल्प ग्रुप का PLF का। तो ये अच्छे से चल रहा है। और एक एंटरप्रेन्योर ने यहाँ में वो तांबूल का भी, तो प्लास्टिक बैन हो गया ना, तो प्लास्टिक का जगह में जो बायोडिग्रेडेबल चीज है, जैसे कि हो गया तांबूल पात से जो प्लेट बन रहा है, वो भी कल दिखाया कैसे बन रहा है दिखाया। और 2-3 यूनिट भी हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम के अंदर में स्पॉन्सर करें, लड़का लोग आगे आए, क्योंकि अभी प्लास्टिक बन रही है तो इसका डिमांड भी बढ़ गया, वही है। तो वही हम लोग का आइडिया है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सके अनएम्प्लॉयड यूथ को। थैंक यू। वो नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लकंग सर्कल पे, और मेरे साथ है यहाँ के फार्म का ओनर। आप क्या बोलना चाहेंगे, जो आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे यूथ को, आज का यूथ का? ये यूथ जो है हम लोग का अरुणाचल के यूथ का साथ बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है। और हम लोग पहले तो हिमालय फाउंडेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप
हम लोग सिक्स मेंबर है हम लोग, तो एक ऑलर ग्रेजुएटेड है, ऑलर सेल्फ वेल ट्रेंड है, तो हम लोग एक फार्म किया है, खुद एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक राह पर हम लोग गया है, और हम लोग का नेचर भी बहुत सपोर्टिव है। आजकल का यंग जनरेशन लोग मतलब ये ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बहुत सारा जगह में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये सब नहीं करके अपना माइंड सेट जो ये सब में बिजी रखने से देश आगे बढ़ेगा और डिस्ट्रिक्ट भी आगे बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से एग्रीकल्चर पोलिट्री एक ह्यूमन आदमी का एक बहुत सपोर्टिव पार्ट है। एक आदमी डॉक्टर को नहीं मिलके एक महीना रह सकता है, लेकिन एवरी ह्यूमन बींग हैव टू मीट वन फार्मर्स, क्योंकि उसको खाना है, तो ये सब चीज़ भी करना है। और ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता, बहुत इसमें प्रॉफिट है, एक नौकरी से बहुत अच्छा है इसको अगर सक्सेस होने से, तो यही है। और अरुणाचल का जितना भी यंग जनरेशन यूथ है, तो उसको अपील करेगा कि ये सब चीज़ में एंगेज करना है, ख़राब चीज़ पर बचना है, खुद एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन बनने का कोशिश करना है। थैंक यू।